नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुब्रत। सभी लोगों का स्वागत करता हूं मोटिज में। जी, अगर आप यूट्यूबर हैं तो ये वीडियो आपको लिए जरूर। आपको थंबनेल देख के पता चल गया होगा जो आज मैं किसके ऊपर बात करने वाला हूं। जी दोस्तों, आज मैं कम्युनिटी टैब के ऊपर बात करने वाला हूं। जो कम्युनिटी टैब क्या होता है, कम्युनिटी पाने के लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा, तो जरूर आपको जानना जरूरी है अगर आप एक यूट्यूबर है। तो चलिए जान लेते हैं वो क्या क्या कंडीशन है, तभी जाके आपको कम्युनिटी टैब मिल सकते हैं। जी दोस्तों, पहले आपका कम्युनिटी टैब मिलने के लिए आपका चैनल में 1K सब्सक्राइबर होना चाहिए। जी दोस्तों सही, अगर 1K सब्सक्राइबर होता है तो अभी जाकर आपको कम्युनिटी टैब मिल सकते हैं। लेकिन ये तो बेसिक चीज़ है, 1K सब्सक्राइबर होना चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ आपको कुछ चीज़ को ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आपके पास 1K सब्सक्राइबर है, अगर ये चीज़ अगर ध्यान नहीं देंगे तो आपको कम्युनिटी टैब नहीं मिल सकता है। पहला चीज़, आपको चैनल लेआउट, मतलब चैनल जो कस्टमाइज होता है, अगर चैनल आपको कस्टमाइज नहीं होगा तो आपको नहीं मिल सकता है। डिस्प्ले में आपको दिखाई दे रहा होगा जो चैनल कस्टमाइज क्या होता है, मतलब आपको अच्छा तरीके से कस्टमाइज करना पड़ेगा। कोई अगर नया यूट्यूबर, कोई अगर विजिटर आपका चैनल में आते हैं तो उसको देखने में अच्छा लगता है, वही है चैनल कस्टमाइज। जी आपको मैं स्क्रीन में शो कर रहा हूँ, देख सकते हैं जी चैनल कस्टमाइज कैसे किया जाता है। दूसरा है जी, आपका हर एक वीडियो में कोप्पा ऐड को एक्टिव करना पड़ेगा। जी कोप्पा ऐड क्या होता है, क्योंकि ये जनवरी में 2020 में लागू किया गया है, तो इसको अगर आप इनेबल नहीं करते तो आपको कम्युनिटी टैब नहीं दिया जाएगा, अगर आपको 1K सब्सक्राइबर होने की बात भी। तो आपको जरूर ये दोनों चीज़ के ऊपर ध्यान रखना पड़ेगा, चैनल कस्टमाइज, कोप्पा एक्ट के बारे में आपको हर एक वीडियो में इनेबल करना है। अगर ये सारे चीज़ आपको सही रहा तो 1 वीक के अंदर आपको कम्युनिटी टैब आपको चैनल में देखने को जरूर मिलेगा। लगता है आपको जानकारी अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा तो जरूर चैनल को एक सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन दबा देना। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। चलिए मिलते हैं अगला वीडियो में। जय हिंद।